सो गाइज, अभी अभी मैंने जस्ट एक कमेंट रीड किया है। आराधना तुतलानी के नाम से इनकी आईडी है और इनका सिमरन नाम है। नाम है सिमरन। तो वो वाला सिमरन डुगू, वो डीडीएलजे वाली है, डीडीएलजे वाली सिमरन हो आप। आहो। तो ठीक है, बर्थडे वाले दिन तो सारे वही होते हैं। तो इनका बर्थडे है 6 जुलाई को। सो मेरे और डुगू और जप्पू तीनों की तरफ से आपको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, लव यू दी। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं नहा धो के पूरी अच्छी तरीके से हो चुका हूँ रेडी। आधी अच्छी तरीके से कौन सा होता है? आधी अच्छी तरीके से मैंने बोला ही नहीं। तूने बोला पूरी अच्छी तरीके से हो चुका। आधी अच्छी तरीका भी होता कोई? आधी अच्छी तरीके से होता जब मैंने फटका नहीं बंद होता। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। और गाइस, मेरी रेड यूनिफॉर्म है। आज है फ्राइडे, पहले वेंसडे को मैं व्हाइट पहनता था, अब चेंज हो चुकी है, अब मैं पहनता हूँ फ्राइडे को। वेडनेसडे को सही रहता था, वेडनेसडे को पहन के जाता था तो जो रेड टी शर्ट होती थी वो 2 दिन पहनता था, फिर वेडनेसडे को वॉश हो जाती थी, फिर 2 दिन पहन लेता था पीछे से। अब बार बार वॉश कर, जिंदगी तो हमारी खराब है, इनका क्या जाता है। यूनिफॉर्म तो हमने धोनी है, पर मैंने यूनिफॉर्म भी आपने नहीं धोनी, अब तो ऑटोमेटिक मशीन ने धोनी है। बिल्लो तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी। मेरी शर्ट की मदस माउंट की कढ़ाई मार डालेगी। ते पैंट देखो कितना सी पैंट है, थोड़ी मेरे को लगा यहाँ पे लगेगा, तब मैंने पैंट पे कर दिया, पन्नी दिया, पटका लीजिएगा मेरा। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है जयपुर मेरी मस्ती के साथ। घर का सारा कामकार मैंने नीचे का कर लिया है, पूरी साफ सफाई हो गई है। ऊपर का ओ हो आंखों में चला गया है पसीना। ऊपर का थोड़ी करा मैं, कोई वो ऊपर का भी करा करो। मशीन थोड़ी सुबह सुबह शुरू हो जाती हूँ, सुबह सुबह शुरू हो जाती हूँ। वैसे तो किचन साफ हो गई है, जप्पू का लंच पैक कर दिया है। जब आज फिर से मैं जप्पू को स्कूल छोड़ने जाने वाली हूँ, बिकॉज जप्पू का सारा हॉलीडे होमवर्क जाएगा आज। एक मॉडल है बस, वो मंडे को भेजेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सारा काम खत्म है ना। तो डुगू की वेट कर रहे हैं, डुगू आ जाए तो चलते हैं। हम तो बिल्कुल रेडी हैं, हम पहले रेडी हो गए 7:40 पे। पापा अभी तक नहीं आए, आ जाइए। आए नहीं पापा। हेलो गाइस, बोलो। कर लो, अभी क्या फोन पे कर रहे थे? क्या कह रही थी तो बोलो। ये क्यों पहन के आ गए शर्ट, इतनी मुड़ी हुई, स्कूल जाना है डुगो? मैं अंदर थोड़ा जा रहा है, अंदर नहीं जाना, फिर भी लोग तो रस्ते में देखते ही है, टी शर्ट पड़ी है अंदर। मैं नहीं, हम निकाल रहा, ठीक है यार, सामने ही पड़ी थी। अरे कोई नहीं, निकाल दो, दूसरे पे बैठे रहना, मुझे कौन देखेगा। पापा ने बता क्या किया, पापा ने तो क्या किया। अगर आपने रील ना भेजी होती ना तो आपको प्रैंक सक्सेसफुल हो जाता। तुम कर सकते हो, मैं भी तो कर सकता हूँ। ऐसे प्रैंक नहीं होते। हाँ। ऐसे प्रैंक नहीं होते। चलो खोलो बाहर। अगर आप आज ना सोए होते ना तो आप भारी कितना हो गए जब ये मैंने किया है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉडल वर्डर रखे हैं। मॉडल तो हाथ में लेके जाने थे। मॉडल नहीं, शीट्स वगैरह वो इतनी सारी हैं, भारी तो होगा। गुड मॉर्निंग डुगू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बिल्कुल एक नंबर। किस काम में रुझे हो गए फोन में? सर्विस करानी है इसकी। अभी तो कराई थी। कहाँ कराई है इसकी? ये तो नया है, ऊपर वाले की तो पीछे नहीं कराई थी। चेक करके गए थे वो? क्यों, एक बार उससे पहले सर्विस भी तो कराई थी। कराई थी एक बार, एसी सर्विस करा के तो चलाया हमने। हाँ तो हर 2-3 महीने बाद कराना पड़ता है। अच्छा, ये भी सीन है। ब्रेकफास्ट करोगे लंच? ब्रेकफास्ट गर्मी के मौसम में लंच डुगू अवॉइड ही करते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है दूध, तवा रख दिया था मैंने पहले ही, मैंने कहा डुगू जो बोलेंगे वो बना दूंगी फटाफट से। तो अब फटाफट से बनाने लगी हूँ पराठा। ये देखो, रोटी बेलनी स्टार्ट कर दी थी मैंने, चलो पराठा बनाते हैं अब। तो यहाँ पे सुबह सुबह हो गया नुकसान, दूध गया फट, बन गया पनीर। ये सही है, अभी दोनों पनीर की भुर्जी खाएंगे। नहीं, दोपहर को तो राजमा राइस खाएंगे। रात को खाओगी ये पनीर की भुर्जी? बना दूंगी। चलो सही है, पनीर का पराठे भी बढ़िया बनेंगे, कल जो ब्रेकफास्ट करना। नहीं, मैं नहीं खाता ये वाला पनीर। सेम ही पनीर? ना ना ना, मैं नहीं खाता, ये ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट ही मेरे को पसंद है। सुख, सारा काम वाम करने के बाद मैं हो गई थी फ्री, नहा लिया है पर ऊपर की सफाई नहीं करी है, क्योंकि ना एसी वाले भैया ने आना सर्विस करवाने के लिए। सुबह डुगू ने बोला था ना व्लॉग में कि एसी की सर्विस के लिए
कॉल करनी है तो उसी के चक्कर में डुगू बिजी थे सुबह सुबह। तो अभी मैंने ऊपर की सफाई नहीं करी क्योंकि फिर दोबारा से करनी पड़ेगी। टेस्टिंग वेस्टिंग सब कर दी थी, सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं लगाया। झाड़ू मारने के ऊपर ज़्यादा नीडी नहीं होती, गंदी नहीं मचता, सोने तो जाते हैं हम लोग, पर फिर भी मेरी आदत है, मैं सफाई डेली करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ जप्पू को स्कूल लेने। और सच्ची बताऊँ तो जप्पू जब से स्कूल जाने लग गया ना, मेरा मन नहीं लगता घर पे अकेले। एक तो मैं जिम नहीं जा रही हूँ, जिम जाने का भी ना एक वो बन नहीं पा रहा, मतलब जैसे अंदर से एक वो आती है ना कि हाँ यार चल जाती हूँ, बस आलस ही आ जाता रोज। अब सोच रही हूँ मंडे से कंटिन्यू करूँगी, पक्का पक्का करूँगी मंडे से कंटिन्यू। तो फिलहाल मैं जप्पू को लेके आती हूँ, और मेरा उसके बिना ना दिल लगता नहीं है। फटाफट मैं देखती हूँ, फटाफट से 1:30 हो जाए और जाके उसको ले आऊँ, तो घर में थोड़ी सी रौनक लगी रहती है, नहीं तो अकेले अकेले बड़ा अजीब सा बड़ा बोरिंग सा लगता है। तो चलो चलते हैं जप्पू को लेने। रिक्शे वाले भैया का फोन आ गया, नीचे खड़े हैं भैया। इधर हो बैठे, और बच्चों ने भी बैठना है। हेलो, मैं रिक्शा ले लूं? क्यों पागल है? हेलो बच्चों, सारे बच्चे आ गए। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? आज सारे वाइट यूनिफॉर्म में चमक रहे हैं सबके सब। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या होमवर्क करवाया ना सबमिट करा दिया, फिर ये वापस क्या लाया? चेक करके वापस मिल गया। ओके, अरे बच्चों का दुख सुनो गाइस। गाइस पहले मेरा दुख सुनो। मैथ्स का इतना सारा था, पूरे दिन में स्कूल में थोड़ा सा काम हुआ। मैथ्स का इतना सारा था कि पूरे दिन का सारा काम याद करा के दो दो बार बोर्ड रैप हो गया मेरा। ओहो, ये बेचारा अपना दुख सुना दो। सारा इतना भर भर के दे दिया, पूरे दो तीन बार बोर्ड रैप। अरे भाई ये तो बड़ा परेशान है। और अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैथ वाली मैम करना है। मैथ वाली मैम निकिता मैम, निकिता मैम, निकिता मैम, मैं भी बोलना के लिए बोलना चाहता हूँ। क्या तान्या मैम आनी चाहिए? तान्या मैम आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। क्यों? सारी मैम आनी चाहिए, आनी चाहिए। मेरी बात नहीं, निकिता मैम क्यों नहीं आनी चाहिए? निकिता मैम ने इतना सारा काम दे दिया। ओहो, मारा होया। और मैथ के काम में सारा ही दे दिया। और मारा होया तेरे नाल। नहीं, मैम भी होना चाहिए। बच्चों ने खप डाल दिए गाइस पूरी। जपनूर व्लॉग्स, देखो मम्मी आपको मैं बात नहीं करता। बातें बड़ी बोलता है तू। मारा होया जप्पू। सो गाइस, जप्पू को लेके घर पे मैं आ गई हूँ वापस। और यार इतनी ज्यादा गर्मी है ना, और बारिश वाला मौसम हुआ है तो भी इतनी ज्यादा गर्मी लगती है बाहर। सबसे ज्यादा तो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो रही है ना बारिश के मौसम में, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, दिमाग खराब हो जाता है। चिपचिपी गर्मी होती है ना, वो होती है बारिश के मौसम में। तो चलो चलते हैं लंच बनाने। हेलो जप्पू, राजमा राइस बना लूं? जी। राजमा बने हुए हैं गाइस, राइस बनाने हैं बस। आज मैंने शाम को सब्जी भी नहीं बनानी, शाम को बना हुआ पेठा। पेठे में फूटेंगे अंडे, इतने यम्मी लगता ना पेठे में अंडे फोड़ के, बस वो दिखाऊंगी मैं। पेठे की सब्जी तो पूरी मैंने बना दी थी कल ही राजमा के साथ, सिर्फ उसके अंदर अंडे फोड़ने हैं। और इतनी यम्मी लगती है ना सब्जी, इसका क्या है करता रहता ड्रामेबाजी। सो गाइज, अभी मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी और एकदम से मेरे हाथ पैर पड़ गए। नीचे वाले एसी की भी सर्विस होने के लिए भैया आ गए, और ऊपर वाले एसी की सर्विस होने के लिए भी भैया आ गए। तो थैंक गॉड कि नीचे जो थी वो फर्स्ट सर्विस थी, तो वो ड्राई सर्विस होनी थी इसलिए वो फटाफट हो गई। यहाँ पर तो भैया करने जा रहे हैं एसी सर्विस, यहाँ पर ड्राई सर्विस नहीं होनी, दूसरी होनी है। ऊपर का रूम ज़्यादा गर्म होता ना, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी लगती है। थोड़े दिन पहले भी भैया ही आए थे चेक करने, इसलिए भैया को पहले से ही पता था।
गाइस एसी की तो क्या ही सर्विस होती है, पूरे घर की सर्विस होती है। अभी आपने देखा कितना काला पानी निकला था, और अभी यहाँ पर मैंने सारा पानी डाल के वॉश करना है। उधर पानी डाल दिया है, ये देखो मेरे रूम का हाल। हाय रब्बा, एसी दे मजे तो सारे लेंदे है, पर आफत तो किन्नू आंदी है हरलीन दी जान नू। अब ये सारा सेट करके फिर नीचे जाऊंगी एक ही बार। तो गाइस एक बार फिर से पूरा घर सेट कर दिया है, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे चली गई हैं, सारा झाड़ू पोछा भी कर लिया है। ये कपड़े हैं प्रेस वाले भैया को भेजने हैं। ये देखो यार अभी यहाँ का हाल क्या था, पूरी साफ सफाई कर दी एक बार फिर से मैंने। अब मैं जाऊंगी नीचे। सो गाइस मैं आ गई हूँ बालकनी में, और हम जा रहे हैं डुगू के पास, पर उससे पहले मैं जाऊंगी डुगू की चेन लेने। जो डुगू की चेन सही करने के लिए दी हुई थी ना, वो लेने जा रही हूँ, वो लेके देन फिर मैं डुगू के पास जाऊंगी। बिकॉज मीत के लिए कुछ गिफ्ट लेना है, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है, प्रिया की बेटी मीत बड़ी वाली, उसका बर्थडे है, तो उसी के लिए हम कुछ लेने जा रहे हैं आज। तो उतरने लगी हूँ नीचे। आजा जब जी, जपने जब वो वॉशरूम गया है, घर से वॉशरूम होकर फिर जाता है, सियाना मुंडा मेरा। आजा हेलो गाइस, हेलो गाइस, फॉलो 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 कर लो, इनका रोज का ही काम है बिल्कुल। ये बाइक पे आए थे पेट्रोल पकवाने के लिए मेरा। हम मीत के लिए गिफ्ट लेने रोज का ही काम है, घर से निकलना, फिर बाहर से खाना खाना, फिर बाहर घूमना, फिर बाहर सबको देखना, फिर बांधना सब। क्या कर रहे हो? पीछे कट था, ये देखो पीछे कट था, तो पीछे कट था, तो देखा ही नहीं, बस के पीछे खड़ा कर दिया। तो गिफ्ट तो कुछ समझ में आया ही नहीं, तो हम आ गए हैं सोडा पीने। ऑलवेज मैप इट टू ऑरेंज टू ब्लैक, है ना। सो गाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं। अभी टाइम टाइम कितना हो गया मैं देखना भूल गया, है मां पता नहीं, 9:30 होंगे, 9:30 गाइस अभी टाइम हो चुका है। अभी हम घर पे आ चुके हैं, और जो आपने सुबह देखा था ना व्लॉग में, मम्मी ने नहीं दूध फट गया था, तो आज हम लेके आए दोबारा दूध, तो वो मम्मी ने रख दिया बॉयल करने में। मम्मी हमारे पास इंडक्शन भी तो था, कोई इंडक्शन कर दे, ये करे वो करे, अब नीचे 5 मिनट वेट करनी पड़ रही है दूध उबलने में, उसमें बस दिया पता वेट करनी, गर्मी लग रही है। बताओ दूध फट गया था, और भैया ने ना दूध 2 किलो लिया था ना, भैया ने नहीं पापा ने, हाँ जी क्या ले आए, ठीक है 2 किलो दूध था ना रात को हम लाए थे, तो वो फट गया था, सुबह सुबह मैंने दिखाया था ना आपको पनीर बना दिया मैंने उसका, अब उसमें से फिर मैंने भैया को कंप्लेंट करी, तो भैया कहते चलो 1 किलो नुकसान तुम्हारा 1 किलो मेरा, तो भैया ने 1 किलो के पैसे वापस दे दिए। तो लोगों ने वैसे मना किया था, कुछ कोई बात नहीं चलो इतनी गर्मी है हो जाता है, तो भैया ने कहा कोई बात नहीं आपका भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो अभी दोबारा 2 किलो दूध लिया, तो फिर भैया ने 1 किलो दूध के पैसे लिए, 1 किलो के वापस दे दिए। और पापा सॉक्स भी लाए हैं, पापा की गली में, पापा कह रहे हैं मेरे शोरूम के पास कोई सॉक्स सेल करने आया था, फिर पापा ने ले लिए। अब मैं देखती हूँ कैसी है, देखो कौन सी है, देखो उस दिन हमने लिए थे 100 रुपीज के 3 पेयर, यस अभी पापा ने लिए 150 के ये 3, सही है सॉक्स को, सही लग रही है, सही लग रही है, ये पापा ने लिए 150 के 3 है, सही है, स्टफ भी सही है सॉक्स का, सही लग रही है, पर एंकल लेंथ नहीं लग रही, एंकल लेंथ ही है, अच्छी है सॉक्स, सही मेरे पैर पे लगा के देख लो ना, पापा दिया नहीं, तेरे पैर पे क्या लगा के देख, आ जाएंगे मेरे को भी, नहीं एक इसमें से एक पैर मेरा, यहाँ रख दे जब भी बच्चों की बच्चों वाली होती है, बड़ों की बड़ों वाली। तो ठीक है गाइस हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग बस यही लगी था, अगर आपको मालूम के लिए कुछ लेने गए थे पर हमको समझ ही नहीं आया, और जब हम वो गिफ्ट ले आएंगे तब मीत को देंगे तभी शेयर करेंगे, फिर जब आएगा तब नहीं करेंगे, ना ना जब मीत को देंगे तब शेयर करेंगे, ऐसे तो मीत को पहले पता लग जाएगा हमने उसके लिए क्या लिया। यस तो अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, तो ठीक है गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।